जम्मू कश्मीर में सेना के 3 अफसरों की शहादत के बीच सुरक्षा एजेंसियां एक्शन में हैं। अनंतनाग में आतंकियों को पकड़ने के लिए सर्च ऑपरेशन चल रहा है। सेना और पुलिस दोनों मिलकर आतंकियों के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। वहीं आतंकियों को ढूंढने के लिए ड्रोन और खोजी कुत्तों की भी मदद ली जा रही है। जम्मू कश्मीर पुलिस के मुताबिक इन दोनों में से एक का नाम उजैर खान है। अनंतनाग में फायरिंग में एक और जवान घायल हो गए हैं। जवान के पैर में गोली लगी है। अब कुल 5 लोग घायल हैं। अनंतनाग में निगरानी और तलाशी अभियान के लिए सुरक्षा बल ड्रोन्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। जानकारी के अनुसार सुरक्षा बलों और पुलिस ने 2 आतंकियों को घेर लिया है। सूत्रों का कहना है कि इनमें से एक आतंकी उजैर खान लश्कर कमांडर है। पिछले ही साल उसे आतंकी संगठन में कमांडर पोस्ट दी गई थी। वहीं द रेजिस्टेंस फ्रंट के फाल्कन स्क्वाड ने भी सोशल मीडिया पर हमले की जिम्मेदारी ली है। आतंकी संगठन का दावा है कि पुंछ में हाल ही में मारे गए मोहम्मद रियाज का बदला लेने के लिए उन्होंने ये हमला करवाया। अधिकारियों के मुताबिक मंगलवार शाम को ही आतंकियों के खिलाफ अभियान शुरू कर दिया गया था, लेकिन रात में इसे रोक दिया गया। सुबह होते ही ऑपरेशन फिर से शुरू किया गया। कर्नल मंजीत सिंह अपने दल के साथ आतंकियों की तलाश कर रहे थे, तभी 2 आतंकियों ने उन पर ताबड़तोड़ गोलीबारी कर दी। इसमें वो बुरी तरीके से घायल हो गए। ज्यादा खून बहने की वजह से उनकी मौत हो गई। ऑपरेशन के दौरान दूसरी टुकड़ी की अगुवाई मेजर आशीष और DSP हुमायूं कर रहे थे। दोनों ही फायरिंग में घायल हो गए थे। ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी भी मौत हो गई। वहीं शव को घने जंगल से बाहर निकालने के लिए जद्दोजहद करनी पड़ी। उस दौरान भी आतंकी गोलीबारी कर रहे थे। अतिरिक्त सुरक्षा बलों को भेजकर 3 शवों को बाहर निकाला गया। सूत्रों का कहना है कि यह हमला घात लगाकर किया गया था। उधर रजौरी में भी आतंकियों के साथ मुठभेड़ में एक जवान शहीद हो गया। इस एनकाउंटर में 2 आतंकी मारे गए थे।